KTM का शोरूम है, ये भी बंद है। अब ये नया साल है तो कल मैं फिर से आऊँगा, जिसकी सर्विसिंग कराऊँगा। बाइक को काफ़ी ज़्यादा दूर ले जाना है, सो विदाउट सर्विसिंग इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप बोल रहे कितने का बाइक लिए थे? बाइक तो 4 का पड़ गया। क्यों, अच्छा लगा आपको? हाँ, इसका लुक बढ़िया लग रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरे नाम से रोशन कुमार हुआ। सूरज, अच्छा लगा। चलिए चलते हैं, थोड़ा बोध गया घूमने आए, वही घूम रहे हैं। क्या पक्का पक्का आप मेरा यूट्यूब चैनल ले लीजिए। सो बॉयज, मेरे माइक में कुछ प्रॉब्लम है, तो अभी मैं फोटो ब्लॉग प्रॉपरली नहीं कर पा रहा हूँ। अभी मैं महाबोधि टेम्पल जा रहा हूँ, बोध गया का काफ़ी ज़्यादा। मैंने कनेक्टर लिया था, पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम आया, ये वर्क ही नहीं कर रहा है। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे फिट करूँगा। और यहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा है, मेरा हाथ जो है पूरा जाम हो गया है, जाम। महाबोधि टेम्पल, यह महाबोधि टेम्पल बिहार में एक जगह है, बोध गया, वहाँ पे आपको महाबोधि टेम्पल मिलेगा। इस टेम्पल का जी काफ़ी ज़्यादा महत्व है बिहार में और बोध गया में। कहते हैं कि एक छोटा सा लड़का है जिसका नाम सिद्धार्थ था, उन्होंने यह जाना कि हमारे मानव का जो मस्तिष्क है उसमें गजब की पावर है, जिसको आज तक हमने इस्तेमाल किया ही नहीं है। तो उन्होंने अपना घर त्याग कर दिया सिर्फ यह जानने के लिए कि लोगों के जीवन में इतना सारा दुख है, इतनी सारी तकलीफें हैं, इन सारे तकलीफ़ों दुख से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। तो उन्होंने, उस छोटे से बालक सिद्धार्थ ने ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपना घर त्याग कर दिया और वो आ गए बोध गया। और उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था और यहाँ से उनका नाम पड़ गया महात्मा बुद्ध। महाबोधि टेम्पल में आपको एक पेड़ मिलेगा, ऐसा कहा जाता है कि उस पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध ने बैठ के ज्ञान प्राप्त किया था। हालांकि वह ओरिजिनल पेड़ नहीं है, बट उसकी कुछ शाखाएँ ला के उस पेड़ का वहाँ पे निर्माण किया गया था, मीन्स उसे रोप के बनाया गया था, वह ओरिजिनल पेड़ नहीं है। महाबोधि टेम्पल में आपको चारों तरफ मॉन्क सन्यासी मेडिटेशन करते हुए नज़र आएंगे और लोग यहाँ पे आते हैं अपने दुख तकलीफ़ से कैसे छुटकारा पाया जा सके इस कोशिश में, और वो यहाँ से मेडिटेशन सीख के जाते हैं, कुछ मंत्र उच्चारण सीख के जाते हैं। अगर आपका कभी भी प्लान हुआ महाबोधि टेम्पल बोध गया आने का, तो आप महाबोधि टेम्पल जरूर विज़िट करें, आपके जीवन में कुछ ना कुछ चमत्कार ज़रूर होगा। मैं भी महाबोधि टेम्पल विज़िट किया, मुझे जी काफ़ी अच्छा लगा और ओवरऑल नाइस एक्सपीरियंस। तो मैं थोड़ी देर में फिर से आऊँगा, लगभग 2-2:30 बजे। और यहाँ पे कैमराज वगैरह रखने का भी कोई साधन है, बट काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो मैं बाद में आऊँगा। अभी मैं अपने होटल चलता हूँ और बाद में इसे एक्सप्लोर करते हैं। सपोज दिस इज आवर हॉस्टल ओसारा, काफ़ी अच्छा हॉस्टल है। तो मैं एक बार फिर से गया था, इतना ज़्यादा रस और इतनी ज़्यादा ठंड थी, चारों तरफ कोस भरा हुआ था, तो सारे वाइटिस, तो मैं वापस आ गया। अभी मैं फिर से जा रहा हूँ जी, अभी मैं फिर से जा रहा हूँ, कुछ टेम्पल एक्सप्लोर करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं जी। अपनी बाइक यहाँ पर खड़ी हुई है जी, बाइक का नाम कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या रखूँ। बाइक थोड़ी गंदी भी है, कल सर्विस में जाएगी तो सारे चीज़ अच्छे हो जाएगी। ज़्यादा भीड़ था तो मैं यहाँ पे आ गया, इसका जो नाम है आप देख सकते हैं, रॉयल भूटानेशी मोनेस्ट्री। तो इस वाले मंदिर के अंदर चलते हैं, वहाँ पे अगर रस कम होगा तब हम जाएंगे। अभी जो मैंने इसके लिए स्टीयरिंग लिया है, इसमें कुछ तिब्बत भाषा और इंग्लिश भाषा में कुछ ओम का मंत्र लिखा हुआ है, तो नाइस स्टीयरिंग इसकी जी, मुझे 25 रुपीज़ पड़ी। आई थिंक अंदर में कैमराज वगैरह अलाउड नहीं होंगे, तो मैं कैमरा को बंद कर देता हूँ इससे पहले मुझे कोई इसको बंद करने को कहे। बॉयज़, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड है, काफ़ी ज़्यादा। मोनेस्ट्री है हमारा सेकंड पॉइंट, अब इसके अंदर चलते हैं। आर्किटेक्चर अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये सारे आप पॉज करके पढ़ लेना।
दिस इज अ ग्रेट बुद्धा टेम्पल। आप देख सकते हैं महात्मा बुद्ध की कितनी बड़ी प्रतिमा है। तो जनरली जो बौद्ध गया है वो बौद्ध धर्म की वजह से ही ज़्यादा फेमस है और बौद्ध धर्म की चीज़ें ही आपको यहाँ पर देखने मिलेगी और जगह जगह आपको महात्मा बुद्ध का प्रतिमा मूर्ति देखने को मिलेगा। और वेरी लार्ज, इससे टू लार्ज, लुक एट द साइज। जगह महात्मा बुद्ध के प्रतिमा थे उन्हीं के बारे में था। तो अभी जो मैं यहाँ पे आया हूँ प्रमोद लड्डू भंडार में, यहाँ पे कुछ खाते हैं तो यहाँ से हॉस्टल की तरफ निकलेंगे।